जयपुर के अजमेरी गेट स्थित यादगार में अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अजयपाल लांबा ने यातायात पुलिस के कार्यों की वार्षिक समीक्षा की। इस दौरान अजयपाल लांबा ने यादगार में पुलिस कंट्रोल रूम का निरीक्षण भी किया। समीक्षा बैठक के दौरान लांबा ने डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश से यातायात पुलिस को मुहैया कराए जाने वाले संसाधनों का ब्यौरा लिया। साथ ही ट्रैफिक पुलिस के बेड़े में यातायात व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए मेंटेनेंस के अभाव में खटारा पड़ी हुई बाइक्स को सुधारने के निर्देश भी जारी किए। वार्षिक निरीक्षण श्री अजयपाल लांबा सर, जो कि एडिशनल कमिश्नर पुलिस कमिश्नरेट में है, उनका आज यहाँ पर था। उन्होंने पूरे भवन का दौरा किया, नवीन जो कंट्रोल रूम बना था उसका दौरा किया, और इसके पश्चात जो भी हमारी योजनाएं चल रही हैं यातायात सुधार को लेकर के, उसके ऊपर भी उनको प्रेजेंटेशन दिया गया। उस प्रेजेंटेशन को उन्होंने पसंद किया, सराहा, और उसके साथ में मुकदमों की पेंडेंसी जो थोड़ी बढ़ी हुई थी उसके लिए निर्देश दिए कि इनको कम किया जाए और जो मापदंड है उसके अंतर्गत लाया जाए। साथ ही साथ विशेष तौर पे उनका ये निर्देश था कि जो हमारे टीआईज हैं जो फील्ड में रहते हैं, वो स्वयं की प्रेरणा से जो उनके बॉटल नेक्स हैं जहाँ पर की समस्या रहती है, ट्रैफिक रुकता है, उसके बारे में कार्ययोजना लेकर के प्रस्तुत करें और उनको धीरे धीरे लागू करते रहें। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो कि परीक्षण के तौर पर लागू करते हैं, हो सकता है कि सफल नहीं हो, लेकिन लागू करते रहने पर पता चलता है कि किस परीक्षण का या किस नवाचार का क्या असर आता है। तो एक बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई और अच्छा निर्देश भी दिया, जिनको कि सारे अधिकारियों को मौके पर बता दिया गया था। और आज के निरीक्षण से जो भी मार्गदर्शन मिला है, मानते हैं कि ट्रैफिक पुलिस उसके